हाय, मैं हूँ कश्मीर में, श्रीनगर में। आप देख सकते हो ट्यूलिप गार्डन है, एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है। तो आपको मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताऊंगा और देन शॉर्ट वीडियो में ख़त्म करते हैं। चलिए, जैसे ही मैंने बताया, ये एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है। यहाँ पे हर तरह के, हर रंग के फूल हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं हर जगह से, इंडिया के कोने कोने से। यहाँ पे फॉरेनर टूरिस्ट भी हैं कुछ सारे। रेड ट्यूलिप है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है यहाँ पे। और भी पीले हैं, पिंक हैं, ऑरेंज हैं, लेकिन ये जैसे कि ये पिंक एक तरह से वाइट है और यहाँ पे पिंक है, ये भी बहुत मज़ेदार है। ये बहुत ही बड़ा सा एक लैंड है जहाँ पे ट्यूलिप के अलावा भी कुछ अलग अलग फ्लावर्स हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। हर किसी के हाथ में कैमरा है, मोबाइल है, तो फ़ोटो खींचते जा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं। मैं यहाँ पे अकेला नहीं जो वीडियो और ब्लॉग बना रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो अलग अलग जगह से आए हैं और ट्यूलिप का ये ब्लॉग बना रहे हैं। मुझे और एक तरह का ट्यूलिप यहाँ पे मिला है, एंड्रेम इसका नाम है, और ये पिंक और रेड है, बहुत ही खूबसूरत सा है, देख सकते हैं। ओह वाह, ये भी एक अलग रंग का है, भी बहुत खूबसूरत सा है। यहाँ का फीस सिर्फ 65 रुपीज़ है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। फूल ये ट्यूलिप गार्डन ही है और कुछ अलग अलग तरह के फूल हैं यहाँ पे। इस येलो फ्लावर का नाम बताता हूँ मैं आपको, जो मुझे पता नहीं है। ये भी एक फ्लावर है जिसका नाम मुझे पता नहीं। ये मैं दूर से दिखा रहा हूँ आपको ट्यूलिप गार्डन कितना बड़ा है। नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, हर तरफ ट्यूलिप ही ट्यूलिप है, आसपास दाएं बाएं। यहाँ पे एक अलग ही कलर का फ्लावर है, पता नहीं, ये मरून है शायद, येलो है, लेकिन उसका शेप कुछ लोटस टाइप का है, बहुत ही अच्छा है। ये एक डार्क रेड है, ऑरेंज और ये रेड, हर तरफ ट्यूलिप ही ट्यूलिप। ये गार्डन मार्च 19 से खुला है, अब ये आई थिंक एक महीने तक रहेगा, जब तक फ्लावर रहेंगे यहाँ पे फ्रेश तब तक ये खुला रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे और भी कुछ फ्लावर्स हैं, उनके अलावा ये चचा फोटो उठा रहे हैं यहाँ पे। वहाँ के ट्यूलिप पे बाउंड्री नहीं है तो मैं आराम से वीडियो बना सकता हूँ यहाँ पे। ये भी कुछ फ्लावर्स हैं। सबके हाथ में कैमरा, वाह। अब क्या बताऊं, जो भी कहने का है सब मैंने कह दिया। अब खामोशी से मैं वीडियो बनाऊंगा, आप देखते जाओगे, पसंद आए तो आगे पता है, मेरा नाम भी पता होगा। मुझसे थोड़ा दूरी में एक फ्लावर का पेड़ है जिसमें पूरी तरह से फ्लावर भरे पड़े हैं, देखते हैं कौन सा फ्लावर है ये। ये तो वही ट्यूलिप ही है, मैं दूसरे फ्लावर का बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ तक जाता हूँ अभी। ये पीले रंग के भी फ्लावर हैं जिसमें पत्ते नहीं हैं, सिर्फ फूल फूल हैं। और दूसरे ये हैं, मैं बात कर रहा हूँ इस वाइट कलर का जो ट्री है, इसमें फ्लावर ही फ्लावर है।
बहुत ही अमेजिंग है। ऐसा लग रहा है कि आर्टिफिशियल है, लेकिन ये आर्टिफिशियल नहीं, ओरिजिनल है। और भी सेम उस जैसे ही लगते हैं कुछ फ्लावर्स। ये भी ट्यूलिप है, मिक्स ट्यूलिप। यहाँ पे एक लेडीज पर वो आया, उसको भी मिला हुआ ट्यूलिप गार्डन है हमारे गेट। ये भी एक फ्लावर है। वहाँ नीचे की तरफ मुझे एक लेक दिख रहा है और पार्क भी है। मैं सामने से जाके दिखाता हूँ आपको कौन सा है क्या है। ये बोटैनिकल गार्डन है। यहाँ पे जो है दूसरी तरफ से रास्ता है इसका एंट्री। इसमें सिर्फ पार्क ही है, ग्रीनरीज और लेक है। तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, वापस चलते हैं हम ट्यूलिप गार्डन पे। एक बंदा वहाँ पे पैशनेटली एक ट्री का फोटो खींच रहा है, देखते हैं क्या है। अच्छा, है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन पता नहीं है ही क्या। तो वापस मैं आ गया ट्यूलिप गार्डन पे। ये बीच बीच में बने हुए हैं कुछ गार्डन्स। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, मज़ेदार। खूब भालो, यहाँ पे बंगाली टूरिस्ट भरे पड़े हैं। बिना कुछ कहे अब बस थोड़ा सा वीडियो दिखाऊंगा और यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर दूंगा। ये कश्मीर है, कश्मीर में श्रीनगर है ट्यूलिप गार्डन। एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है। मार्च महीना है ये। जल्द से जल्द पैसे वापस लौटा दीजिए, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी।